हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपर आर्टेक्स में। आज हम पढ़ेंगे 12th पोल साइंस के चैप्टर नंबर 3 को, जिसको नया नाम दिया गया है शक्ति के नए केंद्र, यानी इंग्लिश में बोले तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे और मेरा लक्ष्य है कि दिसंबर तक में इस चैनल पर 12th पोल साइंस के पूरे कोर्स का निचोड़ डाल दूं, ताकि सुपर एक्स कोचिंग के स्टूडेंट्स और सुपर आर्ट एक्स के सभी सब्सक्राइबर्स के मार्क्स अच्छे आ सकें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आसियान क्या है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना क्यों की गई। आसियान की स्थापना एशिया महाद्वीप और तीसरी दुनिया यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों में एकता स्थापित करने एवं सहयोग बढ़ाने के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आसियान का लक्ष्य क्या है। आसियान का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को तेज करना और उनके माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना किन देशों के द्वारा और कब की गई। इसका आंसर है, आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के 5 संस्थापक देशों के नाम क्या हैं। इसका आंसर है, आसियान के 5 संस्थापक देशों के नाम इस प्रकार हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है, इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल बातचीत के द्वारा करना ही आसियान शैली कहलाता है। आसियान के 2 मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी मदद से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। दूसरा उद्देश्य है कानून के शासन और यूएन के चार्टर के नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की किन्हीं 4 विशेषताओं को उजागर कीजिए। आसियान की पहली विशेषता है, आसियान ने अधिराष्ट्रीय संगठन बनने की बजाय अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को अपनाया, जिसे आसियान शैली भी कहा गया। आसियान की दूसरी विशेषता है कि वास्तविक रूप में आसियान एक आर्थिक संगठन है। आसियान क्षेत्र अमेरिका, चीन, जापान की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था की विकास की गति इनके मुकाबले में तेज है, जिस वजह से आसियान का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आसियान की तीसरी विशेषता है कि आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी बहुत ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की शुरुआत अमेरिका और चीन के द्वारा भी की गई है। आसियान की चौथी विशेषता है, आसियान की सबसे खास विशेषता यह है कि ये लगातार अपने साथी सदस्य देशों और बाकी कई गैर क्षेत्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श करता है, जिससे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो सके, साथ ही साथ विकास के नए हल को खोजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? आंसर है, आसियान विजन 2020 में अपने समुदाय से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में टकराव की जगह बातचीत के द्वारा समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण काम किया गया, जिसकी सफलता का उदाहरण कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के संकट का हल निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आसियान के प्रति भारत की नीतियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है। भारत और चीन जैसे देश जो तेज गति से विकसित हो रहे हैं, इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और पूंजी निवेश के मामले में आसियान ने बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। सन 1967 में इस संगठन के अस्तित्व में आने पर भारत की विदेश नीति में आसियान को कोई महत्व नहीं दिया गया था और इसी तरह उसने दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूर्व एशिया के देशों को भी पूरी उपेक्षा की। लेकिन सन 1991 से भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई। इससे पूर्व एशिया में जहां जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देशों से व्यापार बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई, वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान के साथ भी उसके व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। यानी भारत ने आसियान के दो सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। भारत अब आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है और अब भारत आसियान की बैठकों में भी विशेष आमंत्रण के आधार पर सहभागी सदस्य के रूप में भाग लेता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आसियान का ये टॉपिक और चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। साथ के साथ अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।